इस भयंकर कोरोना काल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सेवा कर रहे हैं। ये फ्रंटलाइन वर्कर हैं जो SN में तैनात हैं और आने वाले हर कोरोना पेशेंट की मदद करते हैं। जब कोरोना अपनी चरम पर है, लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, तब ऐसे कठिन समय में ये कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। SN मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 हॉस्पिटल में ऐसे कई फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो इस भीषण गर्मी में PPE किट पहनकर काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन फ्रंटलाइन वर्कर्स से इस कठिनाई परिस्थितियों में ये किस समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता हरिकांत शर्मा की खास रिपोर्ट। लगातार शहर में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो कहीं 300, 400 और 566 कल के आंकड़े सबसे ज्यादा साल भर के सबसे ज्यादा आंकड़े दर्ज किए। मौतों का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस समय मौजूद हैं SN मेडिकल कॉलेज के कोविड हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पर फ्रंटलाइन वर्कर है, वे लोग हैं जो कोविड मरीजों की यहाँ पर सहायता करते हैं, मदद करते हैं, उनको ले जाने में, लाने में और उनके इलाज की पूरी देखभाल करते हैं। PPE किट पहने हुए हैं, PPE किट में किस तरह की समस्याएं आती हैं, इन लोगों के क्या इन्हें दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये पैंडमिक की जो लहर है, इस बार की जो लहर है, वो कहीं ना कहीं बेहद घातक है। तो इनकी पूरी कार्यशैली हम जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। ये आपका क्या नाम, नाम बता दीजिए। अमर नाम है हमारा। अमर जी, किस तरह की चुनौतियाँ हैं इस बार कोविड वाले में, और जो आप जो PPE किट पहने हुए हैं, इसमें किस तरह की दिक्कतें आती हैं? इसमें दिक्कतें कुछ नहीं आती हैं, बस पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है इस किटों में। अच्छा, बस इस बार का जो कोरोना है पहले से घातक है, मरीज ज़्यादा आ रहे हैं तो डर रहता है? डर किसी बात का नहीं, हम तो सेवा में लगेंगे। बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना। देखिए बहुत बड़ी बात कही है, बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। तापमान बहुत अधिक है और PPE किट जो पहने हैं उसमें हवा लगभग ट्रांसपेरेंट नहीं होती है और उसमें पसीना आता है, बहुत सारी दिक्कत आती है। और बहुत सारे लोग हैं सर, क्या नाम है आपका? संजय नाम है सर मेरा। संजय जी बताइए, किस तरह की आपकी आज की यहाँ पर व्यवस्था रहती है, पूरा क्या कर रहता है आपका? व्यवस्था अच्छी है हमारे यहाँ पे, सिलेंडर पे पेशेंट ऊपर ले आते हैं, उसको ICU में एडमिट कराना, उसको ले आना, व्यवस्था अच्छी है। आपका क्या काम रहता है? आप पेशेंट को लेना लाना। किस तरह की चुनौतियाँ हैं इस बार, क्योंकि पिछली साल जो कोरोना के आंकड़े थे कम थे, इस बार बहुत ज़्यादा हैं? क्या इस बार पेशेंट बहुत आ रहे हैं तो हमें दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं इस टाइम। बिल्कुल, तो कमी ना कहीं पसीना और सारी ऐसी चुनौतियाँ, क्योंकि PPE किट बहुत गर्म रहती है। आपका क्या नाम है? सनी कुमार। सनी जी आप बताइए, जिस तरह से जो पेशेंट आ रहे हैं तो काम बड़ा है, पहले ओवर टाइम ज़्यादा करना पड़ता है? इस साल ज़्यादा काम है मगर थोड़ा बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। किस तरह का काम रहता है आपका, कहाँ तक रहता है आपका? हमारा काम जो पेशेंट ले आना लाना रहता है और उसको शिफ्ट कराना, सारी जिम्मेदारी। इन फ्रंटलाइन वर्कर के बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो सामान्य से लोगों से अलग हैं। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू जी एक बात बताइए, जिस तरह से भयावह स्थिति होती जा रही है कोविड को लेकर, लोग डरते हैं कि कोरोना है और इस समय आप बिल्कुल नज़दीकी पेशेंट के रहते हैं, तो समय मन में क्या रहता है? किस सर मन में थोड़ा डर भी लगता है, मगर एक चीज़ सोच कर कि लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। और दूसरी बात कि इसमें कितनी दिक्कत भी होती है, गर्मी, प्यास, भूख, पसीना, हर चीज़ से जूझना पड़ता है, मगर उसके बावजूद भी हम ये दिल लगा के काम करते हैं। बिल्कुल जी, बोलिए भाई। दिल लगा के काम करते हैं सर, कि ताकि पेशेंटों का अच्छे से ख्याल रखा जाए। भैया हम सबकी सेवा करने के लिए हैं। अच्छा। हमारा कर्तव्य है, हमारे प्रिंसिपल संजय काला सर ने भी यही किया है और ऊपर उनका राउंड लगते रहता है। नहीं, जिस तरह से अब भयानक स्थिति होती जा रही है, लोग चपेट में आते जा रहे हैं, रोजाना 500 से ज़्यादा केसेस अब बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आप जब नज़दीक इतने रहते हैं कोविड पेशेंट के साथ सर, तो किस तरह का डर मन में रहता है? सर डर तो रहता है, घर परिवार में भी आप पहुँचते हैं सर, डर भी रहता है। अब क्या करें, मजबूरी है, घर वालों को, इन लोगों का भी देखना है सर। यहाँ से घर पहुँचते हैं आप तो घर वाले लोग हमसे दूर रहते हैं, भागते हैं, अरे नहीं हमारे पास ना आइए ना, काफ़ी लोग हैं। अब सारी बहुत काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए तो ये फ्रंटलाइन वर्कर थे जो कोविड पेशेंटों को यहाँ से और मरीज अस्पताल तक ले जाने का काम करते हैं। चुनौतियाँ इनके सामने बहुत हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और जो PPE किट जो पहने हुए हैं उसमें हवा का आवागमन थोड़ा कम होता है, इस वजह से उन्होंने बहुत गर्मी भी लगती है। इसके साथ ही जो कोविड पेशेंट मरीज के पास इतने यानी कि नज़दीकी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डर भी रहता है कि ये सुबह शाम जब अपने परिवार में जाते हैं तो वहाँ भी एक स्थिति ऐसी बनती है कि कहीं घर वालों को कोरोना ना हो जाए। तो बाकी में इनके लिए काबिले तारीफ है जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। पैंडमिक की दूसरी लहर है, फ्रंटलाइन वर्कर, आगरा प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से लगे हुए हैं और कोरोना की चेन को कहीं ना कहीं ब्रेक करने में लगे हुए हैं। मैं अपने साथी रंजीत चौहान के साथ हरिकांत शर्मा, दर्पण न्यूज़ आगरा।